बांका जिले के अमरपुर भागलपुर मुख्य सड़क की हालत बेहद ही दयनीय है। अब आलम यह है कि लोगों को घुटने भर पानी होने के बावजूद इस सड़क पर यात्रा करनी पड़ती है, जबकि मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के समय इस सड़क को बनाने का आदेश भी दे दिया था, लेकिन सरकार की उदासीन रवैये का खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा यह अमरपुर भागलपुर का मुख्य सड़क है, जो अंतर्राज्यीय मार्ग को भी जोड़ता है। ये सड़क पिछले चार वर्षों से सरकार की उदासीन रवैये की वजह से जर्जर बना हुआ है। सड़क निर्माण के लिए टेंडर भी पास हुआ, लेकिन इसके बावजूद इसका निर्माण नहीं हुआ। आलम यह है कि सड़क पर बारिश का पानी घुटने भर जम जाता है और लोगों को मजबूरन जान हथेली पर रखकर यात्रा करनी पड़ती है। पिछले साल मुख्यमंत्री के बांका दौरे के वक्त इस मार्ग को बनाने के आदेश के बाद भी इसे ठीक नहीं कराया गया। ये रोड सड़क नहीं, आज के दिन जो है पोखर बन गया है। अमरपुर नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाली अमरपुर और डुमरामा के बीच में लगभग 50 से 60 ऐसे ऐसे गड्ढे हो गए हैं, जिसमें भर ढोना पानी जमा रहता है और किसी भी समय भीषण एक्सीडेंट की संभावना हमेशा बनी रहती है। जबकि सड़क की जर्जर स्थिति की जानकारी पथ निर्माण विभाग को भी है और इसे जल्द से जल्द सुधारने की बात भी करते हैं। इस संबंध में लिखा है कि कम से कम अभी तक निविदा की प्रक्रिया वगैरह में विलम्ब होता है, तो तत्काल इसको मॉडरेबल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाया गया। तो मैंने मुख्य अभियंता के संबंध में और अभियंता प्रमुख को लिखा है और वो लोग भी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द हम लोग इसको मॉडरेबल बना देंगे। सड़कों को चकाचक करने का दंभ भरने वाली राज्य सरकार का दावा इस सड़क को देखने के बाद बेमानी लगता है। ध्रुव ठाकुर, सहारा समय, बांका।